लेक्चर नंबर वन क्लास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर फिफ्टीन आज हमने शुरू करना है एसोसिएशन एसोसिएशन चैप्टर का नाम है इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क है एट्रीब्यूट ऐसी खसूसियात जो एक शे से दूसरी शे के लिए तब्दील हों सिर्फ़ क्वालिटी की शक्ल में क्वालिटी की फॉर्म में इसलिए अ करेक्टरस्टिक करैक्टर स्टिक विच वेरीज़ ओनली इन क्वालिटी फ्राम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर इज़ कॉल्ड एन एट्रीब्यूट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरिटल स्टेटस अजदवाजी हैसियत कि शादीशुदा गैर शादीशुदा मेरिड अनमेरिड अब ये जो खसूसियत है मेरिड होना अनमेरिड होना ये क्वालिटेटिव खसूसियत है जिसको हम नमेरिकली जाहिर नहीं कर सकते तो ऐसी खसूसियात जो क्वालिटी में वेरीज़ करें क्वालिटीज़ में तब्दील हों उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं अब जैसे एजुकेशन लेवल ब्लाइंडनेस रिचनेस ब्यूटी ये तमाम क्वालिटेटिव खसूसियात रखते हैं ये जो तमाम मिसालें दी गई हैं ये वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट वेरीज करती हैं मगर क्वालिटी की फॉर्म में तो ऐसी करेक्टरस्टिक्स जो एक शय से दूसरी शय के लिए तब्दील हों इन क्वालिटी फॉर्म उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल अ करेक्टरिस्टिक्स विच वेरीज आइदर इन क्वांटिटी और क्वालिटी वेरिएबल देखें क्वालिटी की फॉर्म में भी वेरीज करते हैं क्वांटिटी की फॉर्म में भी वेरीज करते हैं अब जैसे हाइट्स वेट्स ऑफ द पर्सन एजेस ऑफ द पर्सन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स टेम्परेचर आ करेक्टरिस्टिक्स विच वेरीज आइदर इन क्वान्टिटी आर क्वालिटी ऐसी खसूसियात जो तब्दील हों क्वान्टिट्टी में या क्वालिटी में तो वेरिएबल दो कैटेगरी में हैं क्वालिटी फॉर्म में भी और क्वांटिटी फॉर्म में भी ये तब्दील होते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज़ कॉल्ड वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट वेट एज टेम्परेचर ये क्वांटिटी फॉर्म में वेरीज़ कर रहे हैं जबकि ब्यूटी इंटेलिजेंस मैरिटल स्टेटस एजुकेशन लेवल ब्लाइंडनेस, रिचनेस ये क्वालिटी फॉर्म में वेरीज कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट और वेरिएबल में जो डिफरेंस है वो ये है कि एट्रीब्यूट वो खसूसियात जो क्वालिटी में चेंज हों क्वालिटी की सूरत में और वेरिएबल क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सूरतों में तब्दील होते हैं क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसीज अ क्लास इज इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लास एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं अशिया का एक मजमुआ क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर शेयरिंग अ गिवन करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि उस क्लास में पाई जाने वाली खसूसियात उन ऑब्जेक्ट्स में पाई जाने वाली खसूसियात उन ऑब्जेक्ट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लास अ क्लास फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लास उस क्लास में पाए जाने वाली ऑब्ज़रवेशनस की तादाद को उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो क्लास फ्रिक्वेंसी इज़ डिनोटेड बाई इनक्लोजिंग द क्लास बाय सिम्बल्स इन ब्रैकेट्स के जो क्लास होती है उसकी क्लास फ्रिक्वेंसी को हम सिम्बल की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं सिंबल की शक्ल में यानी कि उनको इस तरह से कि ब्रैकेट में उस क्लास को ब्रैकेट में जब हम इनकलोज कर देंगे तो वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मिसाल दी जा रही है आपको मिसाल के तौर पर ए को ब्रैकेट में इनकलोज किया गया डिनोट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग द एट्रीब्यूट ए अब यहाँ ए एक एट्रीब्यूट है कि ये वो खसूसियात हैं जिनको नोमेरिकली क्वालिटी की फॉर्म में बयान नहीं किया जा सकता तो ये एक एट्रीब्यूट है इसको ब्रैकेट में जब हमने इनक्लोज किया है तो ये उस एट्रीब्यूट्स में पाए जाने वाली ऑब्जर्वेशंस हैं क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्टनिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड तकसीम करने का प्रोसेस एंड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद ये होता है कि जो कामन ना हो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको इस तरह से हम क्लासीफाइड कर दें कि उनमें पाए जाने वाली खसूसियात कामन ना हो डिस्टिनेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस डिस्पनिक मीन भी वही कि जिनमें कोई चीज़ कामन ना पाई जाए कॉम्प्लीमेंट्री भी जो एक दूसरे के मुतजाद हों अकॉर्डिंग टू वैदर द ऑब्जेक्ट्स डू आर डू नॉट पुजेस आ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स इस कॉल्ड क्लासीफिकेशन ऑफ़ द एटरीब्यूट्स यानी कि एक जैसी खसूसियात वालों के एक अलग क्लास में फिर एक जैसे खसूसियात वालों के एक अलग क्लास में जैसे मिसाल के तौर पर मेम्बर ऑफ़ द पापूलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लाहौर मे बी क्लासीफाइड कि हमारे पास मेम्बर ऑफ़ द पापुलेशन कि एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर की पापुलेशन के जो मेंबर्स हैं जो पापुलेशन है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं उसकी हम दर्जाबंदी करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्स जिन्स के लिहाज से अब ज़ाहिर हमने अकॉर्डिंग टू सेक्स जिन्स के लिहाज से किया है तो ये दो मुख्त क्लासेज है एज़ मेल्स एंड फी मेल मेल और फी मेल की सूरत में अब ये दोनों क्लासेज़ के हैं म्यूचुअली एक्सक्रूसव भी हैं डिस्पिनिक भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं क्योंकि ये दो अलग अलग क्लासेस हैं अब यहाँ एक एट्रीब्यूट को हमने ये क्लासेस में इस तरह से तकसीम किया कि ये मेल और फीमेल मेल एक क्लास है फीमेल दूसरी क्लास है तो इस तरह से हमने क्लासिफाइड किया है कि ये दो मुख्तलिफ क्लासेस खसूसियात रखती हैं अब इस पापोलेशन को सेक्स के लिहाज से क्लासिफाइड करना ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है उस शहर की वो पापुलेशन है जिसको हमने सेक्स के लिहाज से क्लासिफाइड किया है सेक्स के लिहाज से क्लासिफाइड किया है मेल फीमेल और आगे मजीद हम उन हर मेंबर्स को जो सेक्स के लिहाज से हमने क्लासिफाइड किए हैं मे बी फर्दर सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मैरिटल स्टेटस अकॉर्डिंग टू द मैरिटल स्टेटस एज मैरिड और अनमैरिड हमने मज़ीद फिर उन मेंबर्स को जो मेल फ़ीमेल हैं उनको मज़ीद क्लासीफाइड किया है कि वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करना क्या कहलाता है जी क्लासीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कहलाता है उसके बाद एक है जी डॉटमी डाइकॉटमी द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्टिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेज कि अगर एक एट्रीब्यूट्स को दो मुख्तलिफ क्लासों में जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाई काटमी इज कॉल्ड डाई अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल वी मे डिवाइड अ पापुलेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स एज मेल एंड फीमेल अब हमने यहाँ सेक्स को क्या किया है दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो अलग क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया है दैट इज़ कॉल्ड डाई कि के अगर एक ऑब्जेक्ट्स को दो मुख्तलिफ क्लासों में क्लासिफाई कर दिया जाए उसको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस के अंदर तो वो कहलाता है डाइकॉटमी उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टॉपिक पॉजिटिव एट्रीब्यूट पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या है जी पॉजिटिव एटरीब्यूट ये है द प्रेजेंस ऑफ एटरीब्यूट्स इन विच वी आर इंटरेस्टेड आर कॉल्ड पॉजिटिव एटरीब्यूट पॉजिटिव एटरीब्यूट से मुराद ये है कि द प्रेजेंस ऑफ एटरीब्यूट्स प्रेजेंस से मुराद ये है कि वो खसूसिया जिनमें हमारा इंटरेस्ट है द प्रेजेंस ऑफ एटरीब्यूट इन विच वी आर इंटरेस्टेड आर कॉल्ड पॉजिटिव एटरीब्यूट्स यानी कि वो एटरीब्यूट्स की खसूसिया जिनमें हमारा इंटरेस्ट है उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट इनको हम कैपिटल लेटिन लेटर से जाहिर करते हैं ए बी सी से मिसाल के तौर पर काइंडनेस एक एट्रीब्यूट है is denoted by A. अब हमने क्या किया इस काइंडनेस को हमने एटरीब्यूट ए से जाहिर किया एक है जी नेगेटिव एट्रीब्यूट द एबसेंस ऑफ द एटरीब्यूट इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड यानी कि एबसेंस हमारा यह है कि वह खसूसियात जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है प्रेजेंस से मुराद यह है कि वो खसूसिया जिनमें हमारा इंटरेस्ट है अब एबसेंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड आर कार्ड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स दीज आर डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर्स एल्फा बीटा गैमा फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ए एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है जो काइंडनेस को जाहिर कर रहा है तो इसका अपोजिट नेगेटिव एट्रीब्यूट्स एल्फा है जो नॉट काइंडनेस को जाहिर करेगा नॉट काइंड इज डिनोटेड बाई एल्फ़ा पॉजिटिव क्लासेस द क्लासेस रिप्रेजेंटेड अगला टॉपिक है पॉजिटिव क्लासेज द क्लासेस रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऐसी क्लासेज जिनमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को जाहिर किया जाए ऐसी क्लासेज जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स से ज़ाहिर की जाए उन्हें हम पॉजिटिव क्लासेज कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर ए बी ए कटरीब्यूट बी एक, एक एट्रीब्यूट है ए बी ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं तो ऐसी क्लासेज जिनमें पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स से बयान की जाए ऐसी क्लासेस को हम पॉजिटिव क्लासेस कहते हैं नेगेटिव क्लासेस द क्लासेस रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव एट्रीब्यूट ऐसी क्लासेस जिसमें नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को बयान किया जाए जिसमें नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की खसूसियात को बयान किया जाए इन्हें हम नेगेटिव क्लासेस कहते हैं जैसे अल्फा बीटा अल्फा बीटा आर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स इन्हें हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स कहेंगे उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंट्रेरी क्लासेस कॉन्ट्रेरी क्लासेस से मुराद ये है कि ऐसी क्लासेस द क्लासेस रिप्रेजेंटेड बाय बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव यानी कि ऐसी क्लासेस जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बयान किए जाएं ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को ज़ाहिर किया जाए उन्हें हम कॉन्ट्रेरी क्लासेस कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर ए बीटा अब ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी है बीटा नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है अल्फा नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है बी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है तो ये एक कॉन्ट्रेरी क्लासेस हैं उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ऑर्डर ऑफ द क्लासेस ऑर्डर ऑफ क्लासेस का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइंग द क्लास इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द क्लास नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स यानी कि एक क्लास में पाए जाने वाले एट्रीब्यूट्स की तादाद उस क्लास का ऑर्डर कहलाता है एक क्लास में पाए जाने वाले एट्रीब्यूट्स की तादाद उस क्लास का ऑर्डर कहलाता है मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे कि ए बी अल्फा, बीटा आर दी क्लासेस ऑफ ऑर्डर वन अब यहाँ पर जो हमें क्लासेस जाहिर की गई हैं ये ऑर्डर वन क्लासेस हैं क्योंकि इनमें एक एक, एक, एक एट्रीब्यूट है जैसे ए एक अकेला एट्रीब्यूट है बी एक अकेला एट्रीब्यूट है अल्फा एक अकेला एट्रीब्यूट है बीटा एक अकेला एट्रीब्यूट है तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइंग द क्लास यानी कि एक क्लास में पाए जाने वाले एट्रीब्यूट्स की तादाद उस क्लास का ऑर्डर कहलाती हैं अब जैसे ए है बी है अल्फा है बीटा है आर द क्लासेज ऑफ द ऑर्डर वन इसी तरह से ए बी ए बीटा अल्फा बी एल्फ़ाबीटा और दी क्लासेज ऑफ दी ऑर्डर टू ये ऑर्डर टू क्लासेज हैं क्यों कि इन हर क्लास में दो एट्रीब्यूट्स रिप्रजेंट किए जा रहे हैं दो एटरीब्यूट्स को बयान किया जा रहा है यानी कि इस क्लास में तादाद में एट्रीब्यूट्स दो हैं अब इस क्लास में एट्रीब्यूट्स तादाद में दो हैं इस क्लास में एट्रीब्यूट्स तादाद में दो हैं तो इस तरह से हर क्लास में पाए जाने वाले एट्रीब्यूट्स की जो तादाद है वो उस एट्रीब्यूट्स की क्लास ऑर्डर ऑफ क्लास कहलाता है यानी कि हर क्लास में पाए जाने वाले एट्रीब्यूट्स की तादाद उस क्लास का ऑर्डर ऑफ क्लास कहलाता है अब जैसे यहाँ हर क्लास में एक एट्रीब्यूट्स पाया गया है तो इसलिए इन्हें हम ऑर्डर ऑफ़ वन कहते हैं क्लास ऑफ ऑर्डर वन अब यहाँ हर क्लास में दो दो एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं इसलिए हम इन्हें कहेंगे ऑर्डर ऑफ टू यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स हैं एंड सो ऑन इस तरह से थ्री ऑर्डर भी हो सकता है वगैरह वगैरह द ऑर्डर ऑफ द सैम्पल साइज एन एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन हैं वो टोटल सैम्पल साइज़ है जो सिलेक्ट किया गया है और ये ऑर्डर के लिहाज से क्या होता है इज ज़ीरो ये क्या होता है ज़ीरो क्यों जीरो होता है बिकॉज इट कंटेन् नो एट्रीब्यूट क्योंकि इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं होता ये एट टोटल ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जबकि एट्रीब्यूट्स के अंदर उन एट्रीब्यूट्स के ऑब्जेक्ट्स की तादाद होती है तो इसलिए एन को हम क्या कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी बिकॉज इट कंटेन्स नो एट्रीब्यूट्स क्योंकि इनमें कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं पाया जाता तो ये आज का हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर फिफ्टीन का